कंपनी मीटिंग से ताल्लुकात कुछ खास बातें होती है जिनका ख्याल हर कंपनी को रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं उन सभी बातों के बारे में। सबसे पहले है नोटिस। नोटिस यानी कि सूचना। कम से कम 21 दिन पहले मीटिंग अटेंड करने वाले हर एक शख्स को मीटिंग की नोटिस मिल जानी चाहिए। एक दिन पोस्टिंग के लिए, एक दिन रिसीव करने के लिए और दो दिन पोस्टल के लिए। ये सभी मिलाकर कम से कम 25 दिन पहले नोटिस भेज दी जानी चाहिए। किसी भी योग्य व्यक्ति को नोटिस वक्त पर ना मिले तो मीटिंग इनवैलिड भी हो सकती है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 101 जनरल मीटिंग की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से देने की इजाजत देता है, जिसमें कंपनी के ऑथराइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए एनुअल जनरल मीटिंग में वोट देने वाले सभी मेंबर्स को ईमेल भेजने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ऑथराइज्ड एजेंट या एजेंसी के जरिए भी सूचना भेजी जा सकती है और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस डिस्प्ले होनी चाहिए। सेक्शन 101 क्लास 3 के मुताबिक नोटिस में मीटिंग की प्लेस, डेट, टाइम और मीटिंग में रखे जाने वाले विषयों की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को नोटिस भेजी जानी चाहिए। कंपनी के प्रत्येक मेंबर, मरहूम मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हर एक डायरेक्टर, हर एक ऑडिटर इत्यादि को नोटिस भेजी जानी चाहिए। हालांकि कोई प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो, वो चाहे तो अपने आर्टिकल में ये बात दर्ज कर सकती है कि किन मेंबर्स को नोटिस भेजी जाएंगी और किन्हें नहीं। अनजाने में की गई भूल के चलते अगर किसी को नोटिस नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति मीटिंग के प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं कर सकता है, मगर भूल अनजाने में होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं। अब है एजेंडा। जनरल मीटिंग की हर एक नोटिस में एजेंडे का जिक्र भी होना चाहिए। एजेंडे का अर्थ कुछ नहीं बल्कि किन किन विषयों पर चर्चा होने वाली है उसकी लिस्ट को एजेंडा कहते हैं। यह संक्षिप्त में या डिटेल में भी हो सकती है। एजेंडे के आखिर में प्रॉक्सी अपॉइंट करने की नोटिस भी भेजी जानी चाहिए, ताकि कोई मेंबर मीटिंग अटेंड करने में असमर्थ हो तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सके। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रॉक्सी। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्सी कंपनी का ही कोई मेंबर हो। इसके अलावा एजेंडे में डायरेक्टर, ऑडिटर की रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ब्यौरा होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं प्रॉक्सी के बारे में। कोई शेयर होल्डर जो व्यक्तिगत तौर पर कंपनी मीटिंग में पहुंच नहीं सकता है, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपनी ओर से मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है, जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रॉक्सी के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो कंपनी का ही कोई मेंबर हो। पब्लिक कंपनी का मेंबर कितने भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, पर प्राइवेट कंपनी वाला सिर्फ एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी वाला फॉर्म कंपनी में मीटिंग शुरू होने के 48 घंटे पहले भेजा जाना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक कोई प्रॉक्सी 50 मेंबर से ज्यादा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। प्रॉक्सी भी दो किस्म के होते हैं, वन वे और टू वे। वन वे प्रॉक्सी सिर्फ रिजोल्यूशन के फेवर में ही वोट दे सकते हैं। टू वे प्रॉक्सी फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट भी वोट दे सकते हैं। हालांकि कोई प्रॉक्सी मीटिंग के दौरान अपने कोई भी सजेशन नहीं दे सकता है। चलिए अब कोरम के बारे में जानते हैं। किसी कंपनी की मीटिंग के लिए मिनिमम मेंबर्स की संख्या को कोरम कहते हैं, यानी कि मीटिंग वैलिड होने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की मौजूदगी होनी चाहिए, इस संख्या को कोरम कहा जाता है। वैसे आमतौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 5 और प्राइवेट कंपनी में ये संख्या 2 की होती है। बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो बोर्ड मीटिंग के लिए कुल डायरेक्टर की संख्या का 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स भी कोरम बन सकते हैं। मीटिंग शुरू होने से 30 मिनट के भीतर अगर कोरम नहीं बनता है तो वो मीटिंग उसी दिन अगले सप्ताह के लिए एडजॉइंट कर दी जाती है, यानी कि पोस्टपोन कर दी जाती है। और अगर अगले सप्ताह भी किसी एक मेंबर के चलते अगर कोरम नहीं बन पाता है तो इस बार मीटिंग रख ली जाती है।
वैसे कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक कोरम की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए, 1000 मेंबर वाली कंपनी में कोरम की संख्या 5, 1000 से 5000 तक की कंपनी में कोरम की संख्या 15 और 5000 से अधिक मेंबर की कंपनी में कोरम की संख्या 30 हो सकती है। अब है वेन्यू ऑफ द मीटिंग। शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस या किसी अन्य प्लेस पर भी रखी जा सकती है, मसलन होटल, फंक्शन हॉल, पब्लिक प्लेस इत्यादि में भी। लेकिन ये सभी स्थान कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर में ही होने चाहिए। हालांकि अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें तो बोर्ड मीटिंग दूसरे शहर में भी रखी जा सकती है, यहां तक कि बोर्ड मीटिंग चलती कार या हवा में उड़ती प्लेन में भी रखी जा सकती है। चलिए अब जानते हैं मिनट बुक के बारे में। हर कंपनी को मीटिंग के दौरान होने वाली सभी मुद्दों और रिसोल्यूशंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। रिकॉर्ड करने वाली इसी किताब को मिनट बुक कहा जाता है और उन रिकॉर्डिंग्स को मिनट्स कहा जाता है। ऐसी किताब को आमतौर पर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाना चाहिए। कोर्ट में कभी भी इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अगर किसी मेंबर को उस मिनट बुक की कॉपी चाहिए तो उससे प्रेस्क्राइब फीस वसूल कर कॉपी मुहैया कराई जानी चाहिए, वरना कंपनी को 25,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। चलिए अब जानते हैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के बारे में। हर मीटिंग को अनुशासित ढंग से चलाने के लिए एक चेयरमैन का होना आवश्यक है। आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन ही शेयर होल्डर मीटिंग का भी चेयरमैन होता है, लेकिन अगर वो मीटिंग में 15 मिनट तक ना पहुंचे तो मौजूदा डायरेक्टर में से किसी एक को चेयरमैन की तरह चुन लिया जाता है। किसी चेयरमैन में निम्नलिखित खासियतें होनी चाहिए: लीडरशिप क्वालिटी, पेशेंस, कंट्रोलिंग पावर, ह्यूमर, फर्मनेस और इम्पार्शियल। मीटिंग के दौरान किसी निर्णय पर अगर मेंबर के वोट टाई हो जाते हैं तब वो अपने वोट का इस्तेमाल करके उस निर्णय को पास या फेल करवा सकता है। चलिए अब जानते हैं वोटिंग और पोलिंग के बारे में। मीटिंग में चर्चा होने के बाद उसे रेजोल्यूशन के तौर पर पास करने के लिए मेंबर्स की सहमति ली जाती है, जिसके लिए वोटिंग या पोलिंग का सहारा लिया जाता है। वोटिंग में हर एक व्यक्ति को शो ऑफ हैंड या वॉइस वोट के माध्यम से एक बार वोट देने का अधिकार मिलता है, जबकि पोलिंग एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें सभी को कई पेपर्स दे दिए जाते हैं जिनमें वे सभी या कुछ वोट उस मोशन के फेवर में दे सकते हैं। पोलिंग की मांग चेयरमैन या निम्नलिखित व्यक्ति भी कर सकते हैं: एक, पब्लिक कंपनी हो तो कोई भी 5 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में कोई भी 1 मेंबर, या फिर 1/10 वोटिंग पावर रखने वाला, या फिर 1/10 शेयर कैपिटल रखने वाला कोई भी मेंबर।